प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 में कार्य पत्रक 18। आइए शुरू करते हैं। कार्य पत्रक 18 दक्षता गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहाँ से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचवाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। प्रश्न एक, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? लाली की। ख, राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? जानवरों की। ग, लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? शेर सिंह। राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था? तो कौन था? तोता। प्रश्न दो, किसने किससे कहा? क, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। किसने कहा? शेर सिंह। किसे कहा? लाली। ख, सब आपका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा? लाली। किसे कहा? शेर सिंह। प्रश्न तीन, वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो अच्छा। क, लोमड़ी चालाकी से काम लेती है, तो इसमें चालाकी। बंदर नकलची होता है, तो इसमें नकलची। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो इसमें 2 मीटर। ये विशेषण शब्द हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक 18। आज की कक्षा में हमने कार्यपत्रक 18 समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए, इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।